महाराष्ट्रना स्वीमर प्रभात राजू कोळीए सोमनाथना अरबी समुद्रमा सूत्रपाडाना धामळेज बंदरेथी स्विमिंग करी 30 किलोमीटरनुं अंतर कापी सोमनाथ महादेव मंदिरे आवी शिवजीना दर्शन कर्या हता। महाराष्ट्रना मुंबईना वतनी अने माछीमार कोळी समाजमांथी आवता प्रभात राजू कोळीए देश विदेशनी अनेक स्विमिंग स्पर्धाओमां भाग लीधो छे। તેમણે સૂત્રાપાડાના ધામળેજ બંદરેથી 30 કિલોમીટરનું અંતર કાપી સોમનાથ આવી મહાદેવજીના દર્શન કર્યા હતા। मैंने बहुत से इवेंट्स इंटरनेशनल इवेंट्स किए हैं। मैं जैसे ओशन 7 चैलेंज है, उसमें से मैंने 6 इवेंट कंप्लीट कर चुका हूँ। यूके, यूएसए, जर्मनी, ऐसे देशों में, बड़े बड़े देशों में मैंने इवेंट्स कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे सोमनाथ जी के दर्शन करने आया था और वहाँ से मेरे पिताजी को मुझे एक प्रेरणा मिली कि लाइक हम पानी के रास्ते से सोमनाथ जी के दर्शन करने आएंगे। तो इसके लिए हम लोग ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया बिडिया कोली समाज के माध्यम से। उन्होंने बहुत मदद किया, सो हम लोग ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर पाए उनकी वजह से। और हम लोग ने अच्छी तरह से ये इवेंट कम्प्लीट किया और सोमनाथ जी के आशीर्वाद की वजह से हम लोग ये कम्प्लीट कर पाए। मैंने तकरीबन 30 किलोमीटर स्विमिंग किया है समुद्र मार्ग में, पानी में। और ये एक बहुत टफ पैच था मेरे लिए, मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे हवाएं भी तेज़ थी और ऊपर से थोड़े जो अपन बोल हम लोग बोलते हैं स्वेल्स नाम बोलते हैं हम, वो भी एक थोड़ा बड़ा ही थे। छः समुद्र जो वर्ल्ड ओपन वाटर स्विमिंग एसोसिएशन रिकग्नाइज है, जैसे इंग्लिश चैनल है, हवाई चैनल है, उसमें से तकरीबन मैंने 6 कंप्लीट किया है। इंग्लिश चैनल, हवाई चैनल जो यूएसए में है, आयरिश चैनल जो यूके में है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो स्पेन में है, और बाकी के और 2-3 इवेंट्स हैं जो मैं कर चुका हूँ। साउथ अफ्रीका में भी मैंने 6 इवेंट्स किए जिसके लिए मुझे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है। आयरिश चैनल जो मैंने कंप्लीट किया उसके लिए मैं यंगेस्ट स्विमर हूँ जिसके लिए मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया था। आज भिड़िया कोड़ी समाज द्वारा प्रभात कोली अने निहार पाटिल महाराष्ट्र थी बे युवानो जारे सोमनाथ दादाना दर्शन करवा आव्या ત્યારે એમને પિતાશ્રીને પ્રેરણા થઈ રાજુ કોલીને કે એમનો દીકરો એ આ દુનિયાના 7 સમુદ્રમાંથી 6 સમુદ્રમાં જે મુશ્કેલીવાળી તરવૈયું કહી શકાય એવી જગ્યાએ એમણે 6 સમુદ્રમાં તરણ સ્પર્ધામાં વર્લ્ડ રેકોર્ડ, ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું। એમને એવું થયું કે મારો દીકરો અહીંયા સોમનાથ દાદાના દર્શને આવે અને તરીને આવે, એટલા માટે અહીંયા ભીડિયા કોળી સમાજ દ્વારા આજે આપણા પ્રભાત કોલીએ 30 કિલોમીટર ફક્ત 5 કલાકમાં તરી અને તરણ સ્પર્ધા પૂર્ણ કરી છે। સાથે એમની સાથે નિહારભાઈ એ પાટિલ, એમણે 20 કિલોમીટરની આ તરણ સ્પર્ધા પૂર્ણ કરી અને ભગવાન સોમનાથના સાનિધ્યમાં દર્શન કરાવ્યા।